पता है मैडम, हम वैलेंटाइन डे बिस करते ही नहीं। एक तरफ हमारे 44 को वीर जवान शहीद हुए हैं और एक तरफ आप उसी के दिन वैलेंटाइन डे बिस करें, ये होता क्या है जी? हमको तो पता नहीं क्या होता है वहाँ। अगर राजनीति के लोग मनाते हैं जो एक बड़े पोस्ट पर बैठे हुए हैं और उनके द्वारा वैलेंटाइन डे को सपोर्ट किया जाता है तो ये बहुत निंदनीय बात है। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हम मना रहे हैं शहीद दिवस तो आप काहे नहीं मना रहे हैं जी? हमको तो वैलेंटाइन डे पता नहीं होता क्या है, अंग्रेज ला के रख दिया है ना। क्योंकि हम इसी दिन हमारे देश का 44 जवान शहीद हुए थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24, मैं हूं आपके साथ रिया सुमन। इस वक्त हम पब्लिक प्लेस पे हैं जहां पे आम पब्लिक आज वैलेंटाइन डे को विश कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं हम आपको बता दें, 2019 में जो पुलवामा अटैक है वो अभी भी बिहारी नहीं भूले हैं, क्योंकि उस पुलवामा अटैक में 44 को शहीद हो गए थे, जिसमें काफ़ी ज़्यादा हमारे पूरे भारत में उस दिन पूरा महत्तम छा गया था और वो आज ही का दिन है। अब आइए आम पब्लिक से बात कर ले कि वो वैलेंटाइन डे विश कर रहे हैं या तो ब्लैक डे विश कर रहे हैं। अच्छा भैया, आज वैलेंटाइन डे है, कहीं ना कहीं एक तरफ से खुशी की बात है और दूसरे तरफ 2019 में जो पुलवामा अटैक हुआ था उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा आज वो आपको याद होगा सर? बिल्कुल याद है। पता है मैडम, हम वैलेंटाइन डे विश करते ही नहीं हैं। अगर हम जैसे युवा वैलेंटाइन डे विश करने लगे, अगर नेता मंत्री विधायक करता भी है तो ये बहुत अशोभनीय बात है। एक तरफ हमारे 44 को वीर जवान शहीद हुए हैं और एक तरफ आप उसी के दिन वैलेंटाइन डे विश करें, ये होता क्या है जी? हमको तो पता नहीं क्या होता है, कहीं हम तो नहीं जानते। पूरे पटना में इको पार्क यहाँ वहाँ वैलेंटाइन डे विश कर रहे, गुलाब बांट रहे, लेकिन कहीं ना कहीं आज मोमबत्ती जलाना चाहिए था क्योंकि हमारे भारत के 44 वीर शहीद हुए थे आज के दिन। तो बिल्कुल जाना चाहिए था, हम तो जानबे नहीं करते क्या होता है वैलेंटाइन डे। जिस जहाँ आप ब्लैक डे मनाना चाहिए वहाँ अगर राजनीति के लोग मनाते हैं जो एक बड़े पोस्ट पर बैठे हुए हैं और उनके द्वारा वैलेंटाइन डे को सपोर्ट किया जाता है तो ये बहुत निंदनीय बात है। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हम मना रहे हैं शहीद दिवस तो आप काहे नहीं मना रहे हैं जी? हमको तो वैलेंटाइन डे पता नहीं होता क्या है, अंग्रेज ला के रख दिया है ना। बिल्कुल भी नहीं मनाना चाहिए। देखिए, अगर आप लोग अगर आज हम यहाँ पर भाषण दे रहे हैं तो जो वीर जवान है ना उसके बदौलत हम यहाँ पर खड़े हैं और हम बोल रहे हैं। अगर वो वहाँ से हट जाए, सारा नेता मंत्री के को बेटा के बॉर्डर पर भेज दीजिए तो ओकरा बाद बोलेगा वैलेंटाइन डे मनाइए। जब जिसका शहीद होता है ना उसको पता चलता है, ये लोग के घंटा पता चलेगा। ये लोग राजनीतिक बैठ के गद्दी सेकते हैं और पोस्ट डालते हैं हैप्पी वैलेंटाइन डे, ऐसा बिल्कुल भी ना होना चाहिए। और हम जैसे युवाओं वैलेंटाइन डे को कतई सपोर्ट नहीं करते हैं क्योंकि हम यंग हैं और फ्यूचर में शायद हम भी कहीं बॉर्डर पर नजर आए। अगर नेता मंत्री विधायक जो करते हैं वो सिंपल से उनको अपने बेटबा के बॉर्डरबा पर भेज दे, जिसको गोली लगे तब एहसास होता है कि वैलेंटाइन डे क्या होता है और शहीद दिवस का होता है। तो आप आज वैलेंटाइन डे नहीं मना रहे, ब्लैक डे मना? बिल्कुल भी नहीं। कहाँ देख रहे, देख रहे पटना में घूम के हम स्टेटमेंट दे रहे हैं, ये क्या होता है हम जानबे नहीं करते। ये एक अंग्रेज के द्वारा लाया गया परंपरा है, उसे सारा भारतीय कुपोषित हो गया वैलेंटाइन डे के फेर में। इसके अच्छा हम शहीद दिवस मनाते क्योंकि हमारा जवान मरा है, हमारा भाई मरा है। आइए और कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे हम भी बात कर ले। आप लोग तो बोल सकते हैं, आप बोलिए। युवा लड़का ऐसे पूछे, वैलेंटाइन डे मना रहे या ब्लैक डे मना रहे? हम लोग ब्लैक डे मना रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम इसी दिन हमारे देश का 44 जवान शहीद हुए थे, पुलवामा अटैक हुआ था। कहीं ना कहीं आज पूरे बिहार में वैलेंटाइन डे विश किया जा रहा है, गुलाब एक दूसरे को दिया जा रहा है, लेकिन आज कहीं ना कहीं हम लोगों को मोमबत्ती जलाकर उन्हें सतत नमन करना चाहिए था। जी, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जिन नेता मंत्री हर तरह से सब लोग वैलेंटाइन डे विश कर रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है? अरे वो लोग का तो यही खेला ही है, वो लोग जानेंगे तब तो कि सेना का क्या है। सेना का ही देने कि हम लोग यहाँ रोड पे ठहरा होकर के सब आपस में बात कर रहे हैं, शांति से चल फिर रहे हैं, अपना बिजनेस काम कर रहे हैं। जिसमें गुजरता है ना मैडम, पता उसको चलता है, क्योंकि अब बड़े लोगों के द्वारा छोटे लोग सीखते हैं। जब ये लोग ऐसा गलती करते हैं तो फिर छोटे नीचे क्या सीखेंगे? ये बताइए, हमारा 44 को जवान शहीद होता है, कुछ बिहार के होते हैं, उसमें कुछ बिहार के भी थे, जमुई के भी थे और बहुत मतलब बिहार के 7-8 उसमें से थे। आप उसको श्रद्धांजलि न देकर एक अंग्रेज के द्वारा लाया गया परंपरा को बढ़ावा देते हैं, क्या यह सही है? बिल्कुल भी सही नहीं और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। अगर आप लोग आपसे अगर हम सीखते हैं तो क्या हम ही से आप सीखिए ना जी, और आप इसको सपोर्ट करिए इस चीज़ों को। कहीं ना कहीं सही बात है कि 2019 में जो अटैक पुलवामा अटैक हुआ था, जिससे काफ़ी ज़्यादा वो खुशी जो है होता है वो जाहिर नहीं कर पाएंगे हम भी। हम आपको बता दें कि वो ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, 2 साल ही मात्र हुआ है उस चीज़ को, और यहाँ पे बहुत ऐसे जो लोग हैं वैलेंटाइन डे विश कर रहे हैं क्योंकि उनको पता नहीं है कि वो अंग्रेज का दिया हुआ है।
और यहाँ जो बिहार में जिस तरह का लगातार घटना होता है उन्हें भूल जाते हैं। ऐसे तमाम अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। इस वीडियो को अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक करें, यूट्यूब को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।